हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी सब कुशल होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने डीपीपी नंबर 60, विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ऑलराइट, ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, दैट इज सेइंग इन अ सर्टेन रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर प्रेजेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। At the instant t equal to zero, a particle of mass m carrying a charge q is given velocity v naught at an angle theta with y axis in the y z plane. The time after which the speed of the particle becomes minimum. देखिए, इस v naught का एक इधर component आएगा और एक y direction में component आएगा। अगर मैं दोनों components की बात करूँ, this will be the v naught sin theta component and this will be the v naught cos theta component. अब चूंकि electric field जो हमारा है वो इधर की तरफ लग रहा है ना, electric field is in this direction. तो जो इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा वो क्या करेगा, इसकी स्पीड कम करता जाएगा, कम करते करते कितना कर सकता है स्पीड को, जीरो, है ना। तो जो स्पीड हम लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, v इक्वल टू v नॉट साइन थीटा माइनस क्यूई बाय एम इनटू टी, और ये पॉसिबल वैल्यू इसकी हो सकती है जीरो हो सकती है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, जो टाइम निकल के आएगा दैट विल बी एम एम वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय क्यूई। So this will be the particular, this will be the answer for the particular question.